स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास फिफ्थ में हिंदी रीडर में चैप्टर नंबर 12 सरिता के आपको प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे। कल हमने आपको इसके शब्द अर्थ लिखवा दिए थे, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आपको इसके प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे, जिनको आपको अपनी बुक एंड नोटबुक दोनों में फिल करना है। तो जिन बच्चों के जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न नंबर 1। सबसे पहले आपका प्रश्न नंबर 1, सरिता का जल कहां से आता है? सरिता का जल कहां से आता है? कहां से आता है बच्चों? उत्तर लिखेंगे, सरिता का जल हिमगिरी के हिम से निकलकर आता है। हिम से निकलकर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, कवि ने सरिता के जल की तुलना किस प्रकार की है? कवि ने सरिता के जल की तुलना किस प्रकार की है? किस प्रकार की है? उत्तर है, कभी ने सरिता के जल की तुलना दूध के समान की है। दूध के समान की है। अब है प्रश्न नंबर आपका 3, प्रश्न नंबर 3 है, सरिता का जल दिन रात बहते हुए कौन सा कार्य करता है? सरिता का जल दिन रात बहते हुए कौन सा कार्य करता है? कौन सा कार्य करता है? तो उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी का पृथ्वी या वसुधा। का हृदय धोता है, क्या करता है? हृदय धोता है। अब है प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है, पथिक सरिता के जल में किस प्रकार सुख पाता है? पथिक सरिता
के जल में किस प्रकार सुख पाता है? पथिक यानी राहगीर यात्री नदी के जल में किस प्रकार सुख पाता है, तो उत्तर लिखेंगे साफ और मीठा जल पीकर सुख पाता है। तो बच्चों ये हो गए आपके चैप्टर 12 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, जिनको आपको अपनी नोटबुक में सुंदर और साफ हैंडराइटिंग में लिखना है और लर्न भी करना है। तो आज के लिए आपका होमवर्क है, टुडेज होमवर्क, लर्न एंड राइट क्लास वर्क इन नोटबुक। आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू।